हलका खडूर साहब के अधीन आते पिंड फतेहाबाद विखे एक घर के व्याहुता औरत का कतल कर दिता गया है। औरत की उम्र तकरीबन 42 साल दसी जा रही है, जिसका नाम बलविंदर कौर दसिया जा रहा है। औरत 3 बच्चों की माँ दसी जा रही है। फिलहाल इस घटना तो बाद इलाके दे विच सहम दा माहौल बनिया होया है अते आस पास के लोग भी परिवार के नाल दुख सांझा करन दे लई पहुँच रहे हैं। फिलहाल मौके उत्ते पुलिस ने भी इसकी जानकारी दे दी गई है, तो पुलिस ने भी अगलेरी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। यह हलका खडूर साहब के अधीन आते पिंड फतेहाबाद की घटना है, जिथे कि एक घर के व्याहुता का कतल कर दिता गया है। खडूर साहब तो आज की आवाज़ के लिए सुखदेव राज की रिपोर्ट। अरे इन्वेस्टिगेट करते हैं, इन्फॉर्मेशन मिली थी सवेरे, तो पुलिस पार्टी हो गई, SHO हो गया, सारे इतने मौके पर आ गए, इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। स्टेटमेंट इन्हें रिकॉर्ड कर ले, परचा दर्ज कर रहे हैं, तो अगे जी भी तफ्तीश के तथ्य होने उन्होंने फिर लभ लेंगे। हले कुछ नहीं कह सकते, हले फोरेंसिक वाले आपका काम कर रहे हैं, फोरेंसिक वाले तो पता लगेगा भी कि कोई इट वजी है या कोई होर चीज़ वजी है, उस हिसाब से पता लग जाएगा। परिवार ने कि जो बयान कलमबंद कराए वो प्यार परिवार वालों बेसिकली यही है भी शाम को अपना यह हिकिंदर कौर यदा घरवाला तो यदि बेटी जी है अपना रोटी पानी खा के सौ गए थे, तो रात यह कोई सवेरे 4 बजे उठा यदा घरवाला, तो इन्हें जो देखा तो अपनी यदि घरवाली उत्थे जिते पे उत्थे मिसिंग से उत्थे नहीं सी, तो इन्हें आसे पासे देखा तो पिछे जाके वो जी हवेली है वह इनू देखा भी उत्थे पई है, तो फिर इन्हें जाके अपनी बेटी उठाया, तो उस तो बाद दस्या पुलिस को इनफॉर्म किया पंचायत में। नहीं हले कुछ कहना वाजिब नहीं होगा, मेडिकल तो फोरेंसिक्स होनगियाँ, तो उस तो बाद जो सबूत कट्ठे करके फिर लभ लाँगे बंदे नूं, दोषी फड़ा जाऊगा छेती फड़। वलका भाजी की होना, मैं इदा गड्डी तो आया तो घर आ के सुता वा, तो पता नहीं लगा दिन में तड़के उठा मैं 4 बजे उठ के बाथरूम किया, बाथरूम करके मैं कुड़ी नूं पुछा तेरी मम्मी कित्थे आ, वो कहंदी हवे सुती नहीं, तो मैं उठ के वेखा 4 बजे लाइट लूट जगा के वेखा दिखी नहीं कि मुड़ के मैं इधर आ गया वा, इधर आने के वेखा सामने गड़बी दिखी है, मैनू गड़बी दिखी है, तो मैं वेखा तो डिगी उ मैं भज के जाके चुकन पिया वा, तो मूँह चो खून खान वगन डाया है। तो उधरों कि इधर आए कि पता नहीं समझ लगी भाजी कौन लिया है, किसी ना दुश्मनी को ताड़ी कोई ना कोई भाजी दुश्मनी नहीं मेरी। कितने बच्चे ताड़े? 3 बच्चे भाजी मेरे। की मांग करते हो ये भाजी? मैं मांग यही करता हूं जिन्नी जिन्ने इतना काम किया वो तो बस सजा चाहिए है। मेरा अंजू रोज बोल जो क्यों बेटा रोज की बोल के फिर जरा की गल होई ताड़ी मम्मा नाल? मम्मा ने अभी मेरी दो ऐ सुते ना सारे जने वो देखते ही लंबे पे ही अनु नहीं पता की होया की नहीं हूं भी नहीं कहता मैं ही सोंगे सारे जने बाद फिर मम्मी इतने लम्बे पै गए तो मैं डैडी ने ठाया वा तो डैडी कहता भी मम्मी कितने मैं मैं नहीं पता कितने है तो मम्मी लागे है ही नहीं सारे पास वेख्या बाद अं मगर वेली आ उत वेख्या वा उधर किसी ने मार के सुटिया वा। किन्ने बजे तक पता लगता सवेरे? हाँ 5 बजे पता लगा वा। हम की मांग करते तो सजा दे दो कहीं ना कोई रंजिश ही बेटा किस तरह है? नहीं साहब कोई लड़ाई झगड़ा होया कभी? नहीं हां जी मैं उन्होंने वड्डी बेटी हां। मेनू मन पता नहीं की गल मैं अपने सहरे आई हाँ रात मेरे बड़ी वधिया उन्होंने गल की अज दिन 5 बजे पता लगा भी आ गल हो गई है, बाकी जिन्होंने भी किया उन्होंने सजा मिलनी चाहिए सू इंसाफ मिले साड़ी माँ ने जिन्हें भी किया सारा कुछ मेरे 2 भैन भरा ने वाले कुंवरे ने की करे बेचारे प्यो साडा उन्नी उन्होंने लत टुटी है उन्होंने को काम करना ही होंगे मेरा भरा कला काम करता भैन मेरी ब्याह वाली हाल जिन्हें भी किया सू इंसाफ जल्दी तो जल्दी मिले तो शक है तुम कोई किसी ने कोई हाँ जी किसी शक हो नहीं शक कोई नहीं हाँ किसी से ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਦਿਨੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ